और ऑर्गेनिक थोड़ा सा मिलना मुश्किल होगा, बट हमारा सिलिकॉन बेस्ड भी है, ऑर्गेनिक भी है, और जो चार एक्शंस है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, वो आपको समझ में आएगा। सरफेस टेंशन ये घटा देता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक बाल्टी पानी है, नॉर्मली अगर आप उसको डालेंगे तो वो एक मानदे में ही डाल सकते हैं, पर एक बाल्टी पानी में अगर इस मैजिक शॉट को मिलाकर के डालेंगे तो हो सकता है वो 10 मानदे में चला जाएगा, 10 लाइन में चला जाएगा। यानी छोटे से पानी को ज्यादा जगह में डालने के लिए अगर आप मैजिक शॉट को मिला दे तो एक पानी के अणु को, मॉलिक्यूल्स को वो छोटे छोटे में तोड़ देता है, तो मट्टी का जो सतह है वो ज्यादा गहराई तक जा पाता है, ठीक है, मट्टी को ज्यादा अच्छे से पोरस बना देता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है, पानी को ज्यादा गहराई में पहुंचाएगा, किसी विषैला केमिकल के साथ भी मिलाएंगे तो उस केमिकल के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के बहुत स्मॉल कर देता है ताकि वो इजिली एब्जॉर्ब हो सके, ये जहर को और अच्छा जहर बना देता है, और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को और अच्छा ऑर्गेनिकली मैनिफेस्ट कर देगा ताकि वो अच्छा से रिजल्ट दे सके। यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग बहुत अच्छे से ये फैला देता है, एक बूंद भी कहीं इसका पड़ गया तो सब तरफ सही ढंग से एक ही तरफ से फैला देगा, चाहे वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के उल्टे में भी उसको फैलना हो तब भी वो फैलाएगा। गुड एरिया ऑफ कवरेज, के एरिया बहुत अच्छा कवर करता है, कंपेटेबल विद ऑल टाइप्स ऑफ एग्री, सारे जो एग्री केमिकल्स हैं उस सब के साथ आप मिला सकते हैं, किसी केमिकल के साथ भी मिला सकते हैं। लॉन्ग पीरियड ऑफ स्प्रे एक्शन है इसका, जो वक्त है बहुत अच्छा काम करता है, चाहे वो बारिश चाहे वो धूप भी है तो आप इसका रिजल्ट्स ले सकते हैं, और लॉन्ग शेल लाइफ है इसका, जो वक्त है एक्सपायरी डेट वो भी लंबा है। नेक्स्ट प्लीज। इसका जो डोसेज बताया जा रहा है वो 0.25 ml से 0.50 मिली पर लीटर है, 15 लीटर का टंकी है तो 5 से 7 ml मिला सकते हैं, यहाँ हम लोग 200 लीटर के ड्रम में 50 ml डालते हैं, 50 से 60 ml का इस्तेमाल करते हैं, जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ा देता है। मैं आपको इसका काम बताता हूँ, ठीक है, जो लिखा हुआ है वो पहले बता दे रहा हूँ, जो वाटर क्वालिटी है उसको बढ़ा देता है, पानी को और गहराई तक जाने में मदद करता है, जो सरफेस है जो उसका एनर्जी है उसको वो इंप्रूव करता है, वेटिंग भिगाने में ज्यादा अच्छा मदद करता है, इंप्रूव्स द कवरेज एरिया, जो उसका एरिया जितने में उसको फैल करके काम करना था वो भी अच्छा काम करता है, एनवायरमेंट प्रकृति को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है, जो परफॉर्मेंस है इसका केमिकल्स का वो केमिकल को और अच्छा केमिकल बनाता है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसको और अच्छा वो ऑर्गेनिकली एम्प्लीफाई करता है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, वायु बैग में एंटर करने से पहले मैजिक शॉट के बारे में मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, मैजिक शॉट अगर एक शब्द में मुझे बोला जाए तो मान लीजिए खेती या फसल उगाना अगर खाना है तो मैजिक शॉट उस खाने का नमक है, ध्यान देंगे बिना नमक के खाना तैयार नहीं होता है, किसी भी प्रोडक्ट में चाहे वो कोई भी केमिकल हो वो मैजिक शॉट का इस्तेमाल करें, रिजल्ट बेहतरीन उनको मिलेगा, और किसी भी प्रोडक्ट में अगर वो अच्छा स्टिकर, अच्छा स्प्रेडर, अच्छा सरफेस टेंशन काम करने वाला या अच्छा ट्रांसलेमिनर एक्शन वाला वो स्टिकर नहीं यूज करते हैं तो काम नहीं करेगा, क्योंकि नमक तो डलना ही चाहिए इस खेती रूपी खाने में, और ये जो मैजिक शॉट है ना ये इस खेती का नमक है, याद रखेंगे। मैं आपको मैजिक शॉट का सबसे एक यूनिक प्रॉपर्टी बताता हूँ, जो यहाँ हम लोग सबसे मोटा पत्ता देखते हैं उसको हम लोग कुचई पत्ता जानते हैं, आप कुचई को क्या बोलते हैं बंगाल में, जहां तक मुझे पता है शायद कुचू पत्ता बोलते हैं हम लोग, उसमें भी देखे हैं कि जनरली क्या होता है जब हम लोग मैजिक शॉट मिला करके स्प्रे करते हैं तो ये एक है कि पत्ते को बेद करके आर पार कर देता है, जिसको हम लोग ट्रांस लेमिनर बोलते हैं, ट्रांस लेमिनर यानी पत्ते को आर पार कर रहा है, ट्रांस लेमिना मतलब पत्ता, दैट इज कॉल्ड ट्रांस लेमिनर इन एक्शन। जनरली जो बीमारियां होती है, जो भी बीमारी आप जानते हैं, चाहे वो सकिंग में ले ले, चाहे वो आप फ्लाइज में ले ले, चाहे वो फंगल में आप पाउडरी में ले ले, मैक्सिमम जो बीमारियां होती है ना वो पत्ते के नीचे होती है, आपने ऊपर से स्प्रे करा पत्ते के एज तक गया और वो बूंद बूंद होके गिर गया, पर अगर वो पत्ते को आर पार कर देता है, आप ऊपर डाल रहे हैं नीचे भी भिगा देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेमिनर एक्शन माई फ्रेंड्स। सिलिकॉन ऑर्गेनिक बेस्ड और जो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता, कुछ भी वातावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में सिर्फ यही एक है, आप लोग इसको यूज करके देख सकते हैं, इसका ट्रांसलेमिनर एक्शन की वजह से ये किसी भी प्रोडक्ट के रिजल्ट्स को बेहतरीन और एक लफ्ज में बोलूं तो अति उत्तम बना देता है। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आएंगे, वायरूबैक्ट। देखिए इस प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने अगर सबसे कम काम किया है तो इसी प्रोडक्ट पे काम किया है, और सबसे बेहतरीन रिजल्ट अगर लिया है तो इस पे लिया है, सेकंड बेहतरीन बोलूंगा, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक्चुअली है क्या, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड।
यहाँ लिखा हुआ है कि वायरू बैग जो है वो बहुत सारे चीजों से आपके फसल को बचाता है, चाहे वो फंगल हो या बैक्टीरियल हो या वायरल हो या वो दूसरे सॉफ्ट बॉडीड पेस्ट हो या दूसरे पेस्ट हो। यानी ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे चीजों के ऊपर ये एक साथ काम करता है। मार्केट में ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं एक्चुअली नाम नहीं लेना चाहता, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, वो 6,000 से 7,000 रुपए लीटर है, ठीक है, 6,000 से 7,000 रुपए लीटर है, और लोग उसको फिर भी इस्तेमाल करते हैं और उसमें भी रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर भी लोग उसको दोबारा यूज करते हैं, और हाँ वो केमिकल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है कि इसका जो मेन कॉम्पोनेंट है वो यूजनॉल है, और यूजनॉल हम लोग जान रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है वायरू बैग के एक्शन के लिए, जो लौंग का तेल के बारे में बताया जा रहा है, और यूनिक प्रोडक्ट विद ब्लेंड ऑफ एंटीफंगल, फिर वही बताया जा रहा है कि एंटीफंगल काम भी करता है, ये बैक्टीरियल काम भी करता है, ये पेस्टिसाइड काम भी करता है, और इसको आप चाहे तो वायरस स्ट्रेन्स में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये एनपीओपी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, बायोडिग्रेडेबल है, टॉक्सिक नहीं है, कुछ भी अवशेष अपना नहीं छोड़ता है, इसके जो अवशेष है नहीं बचते हैं, और अगेन ऑर्गेनिक है, जैविक के आपको पोटेशियम मिलता है, वन प्रोडक्ट इन मेनी सॉल्यूशंस, जो एक प्रोडक्ट बहुत सारे सॉल्यूशन, चाहे वो फंगल में हो बैक्टीरियल में हो, ये बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको अकेले वो प्रोवाइड कर सकता है। इसका जो शेल लाइफ है, जो एक्सपायरी डेट है, वो लंबा है। नेक्स्ट प्लीज। सिंगल प्रोडक्ट विद मल्टीपल एक्शन, एक प्रोडक्ट जो अकेला बहुत सारा काम कर रहा है, इसकी जो अवेलेबल सोर्स है पोटेशियम का, ये पोटेशियम का देखिए बीमारी तो कंट्रोल करता ही है, और ये पोटेशियम का सोर्स भी आराम से कंट्रोल कर लेता है, बहुत सारे बीमारियों को एक साथ ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है, और ये वायरल स्ट्रेन जो है उसको भी सप्रेस करने में काम करता है, ये 100% सेफ है, टारगेट क्रॉप जो है ये सिर्फ उसी पे काम करता है, ये दूसरी चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और सबसे बड़ी बात जो वृक्ष आयुर्वेदा है, वृक्ष आयुर्वेदा में ऑलरेडी ये मेंशन किया गया है, वृक्ष आयुर्वेदा इज अ टर्म जो अथर्ववेद में ऑलरेडी मेंशन है, वृक्ष जो वर्ड है वो आई है वृक्ष, वृक्ष संस्कृत में पेड़ और पौधे को हम लोग वृक्ष कह रहे हैं, ये ऑलरेडी वहां से आई हुई है, ये जो पौराणिक हमारे जो वेद से है, वेद में ऑलरेडी ये मेंशन किया गया हुआ है कि आप ऑर्गेनिकली एक प्राकृतिक सोर्स से ही अपने बीमारियों को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये उस प्रोसेस में भी इस प्रोडक्ट का मैं नाम मेंशन किया ये नहीं बोल रहा हूँ, पर जो तरीका है, जो पद्धति है ऑलरेडी उसमें भी ये मेंशन किया हुआ है, और जो प्राचीन काल से चला आ रहा हुआ उस वो पद्धति विलुप्त हो सकती है वो बात और है, पर उसको किसी सफाई या सच्चाई पेश करने की उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार यूज करेंगे आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। ओके, रिपल में जाए इससे पहले एक बार जी सर थोड़ा सा स्लाइड पीछे कर देंगे, वायरू बैग के बारे में मुझे कुछ बताना है और ओके, अब वायरू बैग के बारे में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वायरू बैग फ्रेंकली बता रहा हूँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस ना हो या आप नहीं पहचान पा रहे हैं या कौन सा बीमारी है, तो बी वेरी केयरफुल। ओके, बी वेरी केयरफुल। देखिए जनरली होता क्या है ना, अगर आपने रिजल्ट दे दिया ना तो किसान आपको बहुत मानेगा, ठीक है, पर अगर रिजल्ट नहीं दिया और आपके किसी गलती की वजह से उसका फसल नुकसान हो जाता है तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। इसीलिए जब तक आपको नॉलेज नहीं है कि ये फंगल प्रॉब्लम है या वायरल प्रॉब्लम है या बैक्टीरियल प्रॉब्लम है या पेस्टिसाइडल प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी हाथ नहीं देंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल भी हाथ नहीं देंगे। और अगर आप जान ले रहे हैं, तीन चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे बरबट्टी में, ठीक है, बरबट्टी के केस में YPM लगता है, YPM मीन्स येलो वेन वोजेक वायरस, पीला पीला वो चितकबरा टाइप का पैटर्न देखेंगे, पूरा पीला नहीं पड़ा है पर चत्ते 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 पीले पीले हो गए, दैट इज कॉल्ड YBM, येलो वेन मोज़ेक वायरस, ये मोज़ेक पैटर्न में रहता है और चत्ते चत्ते टाइप में, इसलिए इसको मोज़ेक कहा गया है। उस केस में हमने देखा है जब हम वायरू बैग का इस्तेमाल करते हैं 3-4 ml के हिसाब से, पूरे पत्ते में पीले पीले चत्ते पड़े हुए और फल भी पीला हो गया है, ठीक है। अगर आप वायरू बैग को इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे वायरू बैग जब इस्तेमाल कर रहे हैं आप मैजिक शॉट जरूर यूज करेंगे, मैजिक शॉट जरूर यूज करेंगे, पर आप उस समय अगर बूस्टर भी मिलाते हैं तो याद रखेंगे बीमारी भी बढ़ेगा। तो जब आप किसी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं वायरू बैग को, तो कोशिश करें फर्स्ट डोज में जब आप बीमारी कंट्रोल करें बूस्टर ना मिलाए, ठीक है, आप वायरू बैग को दीजिए और मैजिक शॉट को दीजिए, आप आज स्प्रे कीजिए 7 days बाद फिर स्प्रे कीजिए, जो पत्ते है ना जिसमें पीले पीले छत्ते लगे हुए हैं वो पीला ही रहेगा। पत्ते मार्केट में हम लोग नहीं बेचते हैं, बरबट्टी बेचते हैं, लोबिया बेच रहे हैं, तो जो पत्ते वैसे ही रहेंगे पर जो फल आपका पीला पड़ रहा था ना, फल स्टंटेड हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं,
फल ना ही स्टंटेड होंगे, ना ही पीले पीले, वो छत्ते फल में रहेंगे और फल आपका पूरा नॉर्मल आ जाता है। समझ में नहीं आता है ये वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से है, मुझे बरबट्टी के केस में मिला है, वो मैंने आपको बताया। ओके नेक्स्ट, मिर्ची के केस में अगर एलसीवी लगती है, एलसीवी मींस लीफ कर्ल वायरस, मिर्ची में एलसीवी अगर लग रही है, लीफ कर्ल वायरस लग रही है, तो वहां पे वायरोबैक्ट अगर आप इस्तेमाल मान लीजिए पहले से ही करते हैं तो लगने की संभावना कम हो जाती है। सबसे मजेदार बात आपको वायरोबैक्ट की बता रहा हूँ, 1 to 2 ml, 2 ml के आसपास अगर आप लोग रेगुलर इसका इस्तेमाल रखे हुए ना, तो ये सब बीमारियां लगने की चांसेस कम हो जाते हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ वायरस की, YBM की या LCV की, ठीक है। पर कुछ कुछ मेरे को YBM में मिला है, कुछ कुछ में LCV में मिला है। तो YBM में मुझे मिला है बरबट्टी में, LCV में मुझे मिला है आपका मिर्ची में। पर अगर आप पहले से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने क्रॉप को ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि वायरस एक लग जाने के बाद ना बहुत मुश्किल होता है इसको संभालना। और सबसे बड़ी बात फैक्ट बोलूं, अगर आप किसी को बोलते हो कि जो वायरस लगा उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो फार्मर आपको सीधा दरवाजा दिखाएगा, वो दरवाजा निकल जाओ, किसको पढ़ा रहे हो भैया। तो वायरस ठीक करने को ना जाइएगा, वायरस लगने से बचाने का संभावना की बात कीजिएगा, किसान उसी में खुश हो जाएगा। क्योंकि जब वायरोबैक डालते हैं ना, तो मिर्ची का साइज, मिर्ची का कलर और जो पत्ते रहते हैं ना, वो किसान से बात कर लेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बरबट्टी में बता दिया, मैंने आपको मिर्ची में बता दिया, मैं आपको एक क्रॉप के बारे में और बता दे रहा हूँ। पपीते के केस में एलसीवी में ये काम नहीं करता है, ध्यान से सुनेंगे। पपीते के केस में एलसीवी लीफ कर्ल वायरस में हम लोगों ने पपीते में ट्राई किया था, पर वायरोबैक से हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए पपीता के केस में एलसीवी में बिल्कुल हाथ मत डालिएगा, अगर आपने हाथ डाला तो आप फंस जाएंगे। हम लोग रिजल्ट नहीं दे पाए हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। सो प्लीज पपीता के केस में एलसीवी में हाथ डालिएगा। एलसीवी सिर्फ हम लोगों को मिर्ची में मिला है, ठीक है। हमने क्योंकि यहाँ पे मिर्ची प्रोडोमिनेंट एरिया, हमको उस पर अच्छा रिजल्ट मिला है, ठीक है। आप चाहे तो टमाटर में भी ट्राई करके देख सकते हैं, टमाटर में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। फंगल के लिए 1 to 2 ml रखेंगे, बैक्टीरियल के लिए 2 to 3 ml है। ये जो डोसेज है ना, ये पूरा आपका उसपे प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ है, तो मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। जो प्रोडक्ट पे मेंशन है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे को तजुर्बे में फील हुआ है, जो मेरे को लगता है मेरे को आपको शेयर करना चाहिए, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके नेक्स्ट प्लीज। ओके, ये जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है के रिपेल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रिपेल भगा दो, इट्स ए रिपेलेंट। ओके, ये भगाता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, बट थोड़ा सावधानी रखिएगा, और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आप इसका इस्तेमाल समझ गए ना, आई टेल यू, आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। पर हाँ, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही हाथ डालिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं केरिपेल के बारे में। प्लीज बताया जा रहा है केरिपेल एक बेटर फॉर्म है क्रॉप के लिए, उसका जो ग्रोथ में भी हेल्प करता है, बढ़वार में भी हेल्प करता है, फिर जो रेजिस्टेंस है दूसरे बीमारियों के प्रति उसमें वो प्रोवाइड करता है। जो रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है आपका BPL यानी ब्राउन प्लांट हॉपर। ब्राउन प्लांट हॉपर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी भूरा माहो, बंगाल में शायद इसको लैदा पोका या बूंदी पोका बोलते हैं, ठीक है, वो पता कर लीजिएगा। बट ब्राउन प्लांट हॉपर को नेट पर डाल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। जिसको शायद ट्राइपुराजा इंस्टोचेलस या आई थिंक उच्चिरे बैंक्रॉफ्टी बोलते हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर में कंपनी ने बोला है ये काम करता है, और अच्छा काम करता है, ठीक है। यहाँ इसकी कंपोजिशन बताई गई है, टोटल सॉलिड्स है वो 5% तक है, और जो इसके फंक्शनल मीडिया है वो 95% तक है, दैट इज बाय वॉल्यूम, और आगे वाला जो है वो वेट बाय वॉल्यूम है, टोटल 100% है। नेक्स्ट प्लीज। के रिपेल का जब आप स्प्रे करके इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे को अच्छा करता है, बढ़वार प्रदान करता है, दूसरे पेस्ट से बचाता है। पेस्ट नाम जिसका बताया गया है ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है। डोज बताया जा रहा है 2 to 3 ml, ठीक है। नॉन टॉक्सिक है, जहरीला नहीं है। अगर किन्हीं कारणवश अगर आपका किसी और कारण से फसल खराब होता है और आप इसको कुछ नेगेटिव वे में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आई एम वेरी सॉरी, ये कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता इंसानों को। ऑर्गेनिक है, सेफ है, और इसकी बायोडिग्रेडेशन जो है वो 100% है, क्योंकि ये बता रहा है कि एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, ब्लास्ट में जाने से पहले वापस रिपेल में आ जाइए। अब ये था जो हमें इंफॉर्मेशन
कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अब मैं आपको अपना तजुर्बा इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, राइट। मैं आपको ये करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मैं 10 जगह हाथ पैर अपना जला करके मैंने सीखा है, कहीं मैं सफल हुआ हूँ, कहीं मुझे ठोकर लग के गिरा भी हूँ, मेरा बहुत नुकसान भी हुआ है, बट हाँ मैंने आस्ते 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 करके इसको सीखा है, पूरा सीख लिया हूँ नहीं बोलूंगा। जो मेरा अपना तजुर्बा रिपल के ऊपर कहता है, कंपनी इसको कह रही है सिर्फ धान के केस में जो माहो का प्रॉब्लम आता है, दैट इज ब्राउन प्लांट हॉपर के केस में, अगर आप इसको लगने के पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छा काम करता है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, लगने के पहले इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा काम करता है, जो मेरा पर्सनल तजुर्बा है। अगर आप मैजिक शॉट का इस्तेमाल नहीं करते या कोई अच्छा स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका इम्पैक्ट 10 से 12 दिन बाद आप उस पौधे या पत्ते को आप तोड़ करके खाने की कोशिश करेंगे, तो इसका जो कड़वाहट रहता है वो कड़वाहट नहीं रहेगा। रिपल डालने के बाद वो पौधा इतना कड़ू हो जाता है, इतना कड़वा हो जाता है कि ये जो ब्राउन प्लांट हॉपर है, आपको क्या लगता है उसको आपके फसल से क्या दुश्मनी है? नहीं, उसको आपके फसल से कोई दुश्मनी नहीं है, वो बेचारा अपना खाना खाने के लिए आया है। हम लोग उसको कहते हैं चूसक, वो आया है उस पौधे से रस चूसने के लिए जो कि उसको मीठा लग रहा है। और वो मीठा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप लोगों ने धान में इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटाश, इतना केमिकल चूस करा है कि उस यूरिया की वजह से वो धान के जो बीज के रस होते हैं ना, वो बहुत मीठा होता है, तो माहो आ जाता है उसको चूसने के लिए। पर जब आप रिपेल, जब आप ग्रैनुल्स और बूस्टर इस्तेमाल करें, तो आपने अपना यूरिया थोड़ा कम कर लिया है, तो धान मीठा कम होगा, पहला। दूसरा, और जब आप रिपेल देते हैं तो वो मीठा होने की जगह वो कड़ू हो जाता है, बिटर हो जाता है। आप कड़ू समझ रहे हैं, बिटर, कड़वा हो जाता है। तो इतना कड़वा हो जाता है कि वो बेचारा आता तो है पर चूस नहीं पाता है, तो चूस नहीं पाता तो क्या करेगा, वो शक नहीं कर पाता, वो चूसते पर अनार, तो ना चूसते पहले की करो, इच्छा करो बोसे थक भी ना की, तो वो उस खेत में नहीं बैठता है, फिर वो दूसरे खेत में चला जाता है। पर याद रखेंगे, अगर आपने कोई भी अच्छा स्टिकर मैजिक शॉट नहीं मिलाया है, तो याद रखेंगे इसका इम्पैक्ट 7 से 8 दिन तक रहता है। बट अगर आप मैजिक शॉट मिला देते हैं, मैजिक शॉट मिला देते हैं, तो इसका इम्पैक्ट 15 दिन 18 दिन 20 दिन तक भी कहीं कहीं हम लोग को मिला है। ओके, 15 दिन भी हो सकता है, 18 दिन भी हो सकता है, कभी कभी 20 दिन भी हम लोग को मिल जाता है अगर आप मैजिक शॉट मिलाते हैं तो। अब ये गया धान के केस में, भूरा माहो के केस में। पर मान लीजिए अगर माहो लग गया है तो उसके बाद इसको डालेंगे तो काम करेगा? थोड़ा रिस्क है, बट मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, अगर लग गया है उसके बाद अगर आप इसको डालते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उस किसान को ये बोले कि कुछ मारने वाला केमिकल आप ले लो, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ही हाईटेक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, किसी भी केमिकल प्रोडक्ट के साथ मिला करके डालो ये काम करता है, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा केमिकल ले लीजिए, वो माहो को, ब्राउन प्लांट हॉपर को इमीडिएटली मार देगा। और जब वो मर गया, जब वो झड़ गया, वो नीचे गिर गया, उसके बाद जो ये रिपल डाला हुआ है ना, वो उस पौधे को पूरा कड़वा कर देगा, तो दूसरा माहो, दूसरा कोई भी चूसक आकर के उस पे नहीं लग सकता है। ये हो गया रिपल का कमाल धान के केस में। अब धान के केस में और एक चीज होता है, धान के जड़ों में कटुआ लगता है, कटुआ इन द सेंस जो कीड़े होते हैं ना, वो जड़ काट देते हैं, तो उसको यहाँ के भाषा में कटुआ कटुआ करते हैं, वो जड़ को काटते हुए चले आते हैं। तो धान हमने लगाया था मान लीजिए 100 पीस, पता चला 30 पीस को कटुआ ने काट दिया, तो धान वो खड़ा ही नहीं रहता है, फिर वो मर जाता है। पर अगर आपने रिपेल को नर्सरी में ही स्प्रे कर दिया था, नर्सरी समझ रहे ना, पहले हम लोग धान की नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद उसको उखाड़ करके हम लोग मेन खेत में लगाते हैं, ठीक है। तो नर्सरी में अगर आपने रिपेल स्प्रे कर दिया तो वो जो कीड़े हैं ना, वो कहीं कहीं काट नहीं पाए हैं। ये सब मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, ये आप पहले खुद ट्राई करके देखेंगे, किसानों को जाकर इमीडिएटली कूद के बताने नहीं लगेंगे। अगर बता भी रहे हैं तो उनको बोलेंगे पहले छोटे से जगह में ट्राई करके देखो, अगर रिजल्ट मिलता है तो आप पूरे में डालो। जैसे मान लीजिए आपको कोई 100 एकड़ का किसान मिलता है, या मान लीजिए आपको 10 एकड़ का कोई किसान मिलता है, तो 10 एकड़ का किसान मिला ना, तो उसको बोलिएगा कि भैया आधा एकड़ में या 2 लाइन में पहले करके देख लो, या 1 एकड़ में पहले करके देखो। हम लोग आदत क्या, अरे 100 एकड़ का पार्टी है, चलो 100 एकड़ में एक ही बार में यूज करवा देते हैं। तो 100 एकड़ का पार्टी को अगर रिजल्ट मिलेगा ना, तो हो सकता है आपको 1 या 2 बार बोलेगा हाँ रिजल्ट ठीक है, पर रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, उसके फार्म हाउस में जो पेड़ होगा ना, वही बांध के रख देगा। तो हमेशा छोटे से एरिया में ट्राई करेंगे, जब रिजल्ट मिल जाता है फिर उसको बोलेंगे ये आपका डिसीजन है, अब आपको पूरे में आप डाल के चाहे तो देख सकते हैं। और विश्वास मानिए, बेहतरीन रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब धान वाला टॉपिक को मैं हटा रहा हूं, मैं रिपेल के बारे में दोबारा बोल रहा हूँ, कंपनी ने नहीं बोला है, ठीक है, बट आप चाहें तो सब्जियों में भी इसको कहीं कहीं चूसक के केस में इस्तेमाल करके देख सकते हैं। चूसक यानी
थ्रिप्स, एफिड्स, जैसिड्स. दोबारा दोहरा रहा हूं, थ्रिप्स में, एफिड्स में, जैसिड्स में. ओके, ये सारे सकिंग हो गए. इसके अलावा ये लीफ माइनर में भी काम करता है. इसके अलावा ये माइनी में भी काम करता है. इसके अलावा ये व्हाइट फ्लाई में भी कहीं कहीं काम करता है. मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूं, थ्रिप्स, एफिड्स, जैसिड्स, व्हाइट फ्लाई, लीफ माइनर. ठीक है, पर ये याद रखिएगा, ये बहुत रिस्की है, ये हम लोग अपने रिस्क पे करते हैं. ठीक है, अगर कहीं फसल टूट रहा है और किसी ने गलती से स्प्रे कर दिया, तो वो जो सब्जी है ना, वो जो टमाटर है ना, वो पूरा कड़वी हो जाएगा. वो आदमी क्या, जानवर भी नहीं खाएगा, जानवर भी नहीं खाएगा. मेरी बात लिख के रखिएगा, आपका बरबट्टी मार्केट में टूट के जाने वाला है और आपने आज उसको स्प्रे कर दिया, वो 10 दिन तक मार्केट के लायक नहीं रहेगा, 8 दिन तक तो नहीं रहेगा. ठीक है, और चूसक के केस में जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ये देख लेंगे कि फसल की हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है तो ट्राई कीजिएगा, किसान को बोलिएगा हम ट्राई करके देखते हैं कि चूसा कंट्रोल होता है या नहीं होता है. ठीक है, थ्रिप्स में, एफिड्स में, जैसिड्स में, और ये लीफ माइनर में भी ये काम करता है. आप ट्राई करके देख सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल जब करेंगे आप मैजिक शॉट जरूर से इस्तेमाल कर लेंगे. पर हाँ, कुछ कुछ केसेस में हम लोग को डोज ऑल्टर करना पड़ता है. आप 2-3 ml डोज रखिएगा, उसमें होपफुली ये काम कर जाता है. कभी कभी क्या होता है, जब बहुत हाई इंफेस्टेशन होता है, बहुत ज्यादा बीमारी लगी रहती है, तो हम लोग कभी कभी डोज इसका बढ़ा भी देते हैं. बट माय फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर आप सब्जी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी ने नहीं बोला है, कंपनी ने सिर्फ धान में बोला है, तो वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो पूरा अपना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने अकाउंटेबिलिटी, अपने जिम्मेदारी के ऊपर आप लेकर के इस्तेमाल करते हैं. ओके दोस्तों, ये रिपल के बारे में था. धान कटने वाला रहेगा और 10-12 दिन आपके पास टाइम है और भाव लग गया है, तो रिपल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि धान कटने के 10 दिन पहले आपने डाला, उसका धान आप काटेंगे ना तो कड़वी धान मिलेगा. अगर आपके पास 15 दिन का गैप है तो आप रिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं. सब्जियों में आपके पास 10 दिन का गैप है, 10-12 दिन का, तो आप रिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं. और रिपल का इस्तेमाल जब करें, मैजिक शॉट के साथ करें. ओके नेक्स्ट प्लीज, ब्लास्ट, नेक्स्ट प्लीज. ब्लास्ट एक प्रोडक्ट है, यहाँ जो लिखा है पहले वो बता देते हैं. ब्लास्ट एक यूनिक फॉर्मूला वाला प्रोडक्ट है. इसके जो काम है, वो काम आता है लीफ ब्लास्ट में बताया जा रहा है, लीफ स्पॉट में बताया जा रहा है, पाउडरी में बताया जा रहा है, पाउडरी माइल्डी में बताया जा रहा है, अर्ली ब्लाइट में बताया जा रहा है, फंगल लीफ ब्लाइट पे बताया जा रहा है, और पैडी के केस में पोटैटो, टोमेटो, मैंगोज, पोमग्रेनेट और इत्यादि वेजिटेबल्स के बारे में बताया जा रहा है. नेक्स्ट प्लीज. ये नॉन टॉक्सिक है, ऑर्गेनिक है, ये क्लोव ऑयल है, यहाँ पर सिलिकॉन सर्फेक्टेंट है, पोटेशियम सोप है इसमें, सोडियम सॉल्ट है. टोटल 100% के बारे में बताया जा रहा है. 2 grams का इसका डोज है, 2 grams डोज प्रति लीटर पानी. यदि अगर 15 liter का टंकी होता है तो 30 gram होगा, और अगर मान लीजिए 50 liter का टंकी होता है या 200 liter का अगर आप ड्रम बना रहे हैं, तो उसमें आप 400 gram के आसपास डालेंगे. नेक्स्ट प्लीज. अप्लाई कैसे करना है, इसको मिक्स कर लीजिए 2 gram के साथ, 2 gram आप पानी में डाल के प्रति लीटर के हिसाब से मिक्स करके डाल सकते हैं अफेक्टेड एरियाज में, इन सम हाई वाटर क्वालिटी. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट ओके, चलिए ऑर्गेनिक स्पॉट. ओके ओके नेक्स्ट. एक बार स्लाइड वापस कीजिए प्लीज, रिवर्ट द स्लाइड्स मुझे ब्लास्ट. ओके थैंक यू प्लीज. ओके जी सर, थैंक यू. ब्लास्ट के बारे में आपको एक चीज बता रहा हूँ. ब्लास्ट जनरली हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट इन रिगार्ड्स टू द कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, बट मुझे जो इस चीज में रिजल्ट मिला है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. अर्ली ब्लाइट में रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. अर्ली ब्लाइट आप समझ रहे होंगे, जब पौधा आपने लगाया है और शुरू में ही आपको दिखाई देगा कि उस पत्ते के साइड में जले जले मिलते हैं. ये ज्यादा आपको मिलता है टमाटर में, मिलता है बहुत ज्यादा, आप करेला में देखेंगे बहुत ज्यादा होता है अर्ली ब्लाइट की शिकायतें. लेट ब्लाइट रिजल्ट मुझे नहीं मिला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं करता है, ठीक है, पर लेट ब्लाइट में मुझे रिजल्ट नहीं मिला है. मुझे जिसमें रिजल्ट मिला है वो आपको बता रहा हूँ. अर्ली ब्लाइट में बहुत अच्छा रिजल्ट है. बैक्टीरियल स्पॉट आप सेमी देखेंगे, बरबट्टी देखेंगे, टमाटर देखेंगे, उसमें बारिश होने वाला है या बारिश होने वाला अगर आपको समझ में आ जाता है ना, तो पहले ही ब्लास्ट डाल दीजिए. आपका फंगीसाइड का खर्चा, सीओसी और M45 जो लोग डालते हैं, उसका खर्चा आपका बहुत हद तक बच जाएगा, क्योंकि
इसके पहले अगर हम लोग डाल देते हैं और उसको एक दिन का टाइम मिल जाता है, उसके बाद बारिश भी होती है ना, तो फंगल अटैक नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरियल स्पॉट का जो अटैक होता है, जो आपका अच्छा सा सेमी फसल दिख रहा है, सेमी पे ब्लैक स्पॉट है, तो वो ब्लैक स्पॉट नहीं आएगा अगर आप ब्लास्ट का इस्तेमाल आप पहले ही कर लेते हैं। तो बैक्टीरियल स्पॉट पे बेहतरीन काम करता है, ठीक है, ऑली ब्लाइट में अच्छा काम कर रहा है, बैक्टीरियल स्पॉट में अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। और एक चीज आपको बता रहा हूँ, ये पाउडरी में भी बहुत अच्छा काम करता है। पाउडरी यानी आप बैगन के केस में देखेंगे, बैगन के पत्ते को लेके आप उल्टा करके देखते हैं तो नीचे पीछे देखेंगे व्हाइट व्हाइट पाउडर के पैचेस टाइप के हैं, दैट इज कॉल्ड पाउडरी। उस केस में भी ये बेहतरीन काम करता है, किसी में भी पाउडरी लगती है। आप करेला में देखेंगे इसका शानदार रिजल्ट है, टमाटर में शानदार रिजल्ट है, किसी भी क्रॉप में अर्ली ब्लाइट, बैक्टीरियल स्पॉट एंड पाउडरी में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बट माई फ्रेंड्स, मुझे डाउनी में रिजल्ट नहीं मिला है। डाउनी में हाथ डालने के पहले 5 बार सोच लीजिएगा, आप बिल्कुल डालिएगा, वो आपकी लुकआउट है। बट मुझे जिसमें 3 चीज में रिजल्ट मिला है, दैट इज अर्ली ब्लाइट, बैक्टीरियल स्पॉट एंड पाउडरी, वन ऑफ द मोस्ट सुपर बेस्ट रिजल्ट्स है, ठीक है। 2 to 3 grams, पर 2 ग्राम के ऊपर आपको जाने में जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो आपको डोज बता रहा हूँ वो हमेशा 1 लीटर के सॉरी 1 लीटर के हिसाब से बता रहा हूँ, कि अगर आपका 15 लीटर का टंकी है तो 30 ग्राम डलेगा, अगर आपका 30 लीटर का टंकी है तो आपका वो 60 ग्राम डलेगा, 2 grams per liter ऑफ वाटर। ओके, लास्ट स्लाइड पे आ जाइए अजीत सर प्लीज। ओके, टू लिव ऑर्गेनिक स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड। अगर आपको अपनी जिंदगी को जैविक रूप से जीनी है तो सबसे पहले जैविक उत्पाद का इस्तेमाल करें, यानी जैविक प्रोडक्ट जो आप डाल करके जैविक फूड्स वेजिटेबल्स आपको मिल रहा है उसको अगर आप प्रोक्योर कर सकते हैं तो जरूर से इस्तेमाल करें। जितने बड़े फार्मर्स है ना, वो मार्केट में बेचने के लिए दूसरा रखते हैं और घर में खाने के लिए दूसरा रखते हैं, आप पता कर लीजिएगा, वो लोग यूं करते हैं कभी कभी। टू हैव ऑर्गेनिक फूड्स, स्टार्ट विद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और अगर आपको ऑर्गेनिक फूड खाना है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का भी मार्केट में पिच आउट करें, इस्तेमाल करें, गो फॉर ऑर्गेनिक विद द स्केलिंग। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ, आज जो पहली बार हम लोग इस स्केलिंग के प्रोडक्ट स्केलिंग के प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम लोग देख रहे हैं और उसका जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट के दम पे है, क्योंकि प्रोडक्ट में रिजल्ट था इसलिए कंपनी ने प्लान किया कि नहीं चलो हम लोग आप एग्रो को भी उस तरह से मार्केट में सीरियसली ले सकते हैं, कर सकते हैं। आप सोच नहीं सकते फ्रेंड्स, मेरे घर में मेरे पास 1 छटा खेत भी नहीं है, तो हमारे घर में ना गमला है, गमला पॉट्स, और हमारे घर में गमला सिर्फ एक ही चीज का है, वो है तुलसी माता का। तो रिजल्ट कहाँ देखते हैं, तो हमने अब बस ये कहानी बता के मैं खत्म कर दे रहा हूं, हमने इसको डाल दिया तुलसी में, तुलसी माता वाले जो पौधे होते तो उसमें डाल दिया, अदरवाइज नहीं लेंगे, वो तुलसी माता का जो पत्ता था ना वो तुलसा हो गया, इतना बड़ा हो गया, थोड़ा अपने नॉर्मल साइज से बड़ा आ गया। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट काम करता है। किस तरह से काम करता है, मुझे 4 साल लग गए सीखने में, घिसते 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 करके मैं सीख चुका हूँ, थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ। अगर हम लोग सब ये प्रण कर लें कि मार्केट में हमको ये प्रोडक्ट पिच करना है, पर हाँ सबसे पहले 1 एकड़ में पिच करेंगे, ओके, 1 एकड़ में जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तो किसान को आप रोक नहीं सकते हैं कि वो अपने दूसरे प्लॉट में ना डाले, वो डालेगा ही। आप उसको बोलिएगा कि 1 एकड़ में आप पहले इस्तेमाल कीजिए, जब आपको रिजल्ट मिलेगा ना तब आप दूसरे एकड़ में सारे में डालिएगा। वो 1 एकड़ डालने के बाद 2 से 3 दिन बाद उसका पौधा उससे बात कर लेगा, और जब आप नेक्स्ट बार जाएंगे ना विजिट करने के लिए तो आपको पहचानना पड़ता है, बोलो किसमें डाले थे, बोले हम तो इसमें डाले थे, तो इसमें और दूसरे में फर्क क्या है, बोले सर कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए फर्क नहीं है क्योंकि हमने इसमें डाला और जब रिजल्ट देखा तो उसके बाद हमने पूरे में डाल दिया, तो किसान को इतना बेहतरीन रिजल्ट इससे मिल रहा है। बस फर्क इतना है कि हमारे जो बूस्टर है, हमारे जो ग्रैन्यूल्स है, हमारे जो रिपल है, हमारे जो वायरोबैक्ट है, हमारे जो ब्लास्ट है, हमारे जो मैजिक शॉट है, इनके पैर नहीं है। तो अगर आप इनकी पैर बन सकते हैं तो मेरा विश्वास मानिए ये आपकी जिंदगी का मुस्तकबिल बदल सकते हैं, आगे मर्जी आपकी। बहुत बहुत डू यू हैव नेक्स्ट स्लाइड अजीत सर? नो सर। डू यू स्लाइड हैव? नो सर। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हाँ कोविड रहे, डेविड रहे, कुछ भी विड रहे, विश्वास कीजिए केलिंग के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को अच्छे से खाइए, ऑर्गेनिक फूड्स खाइए और ऑर्गेनिक को पिच कीजिए, ऊपर वाला हम लोग सब पे आशीर्वाद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर।